Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing chapter number 1, The Sour Grapes, Khatte Angur. Real generosity is doing something nice for someone who will never find out. Real generosity का मतलब होता है असली उदारता, कि अगर हम किसी के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, उदारता किसी पे कर रहे हैं, तो असली उदारता किस में होती है? इज डूइंग समथिंग ऐसा कुछ करने में होती है, नाइस फॉर समवन, किसी के लिए अच्छा करने में, हु विल नेवर फाइंड आउट, जिससे कि उस इंसान को पता ना लगे. कि ऐसा नहीं है कि अगर हम किसी पे दया रहम उदारता कर रहे हैं तो हम उसको ढिंडोरा पीट कर दिखाएं कि देखो हमने तुम्हारे लिए ये किया है. फिर आता है लर्निंग ऑब्जेक्टिव. लर्निंग ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है सीखने का जो उद्देश्य है. टू इंस्टिल इन रीडर्स अ सेंस ऑफ बीइंग जेनेरियस, केयरिंग एंड काइंड. कि इससे क्या होता है, जो भी पढ़ने वाले हैं इसको, उनके अंदर उदार, देखभाल करने वाला, जेनेरियस होता है उदार, केयरिंग देखभाल करने वाला, और काइंड होता है दयालु. मतलब इस तरीके की रीडर के अंदर भावनाएं पैदा करने के लिए इस लेसन को लिखा गया है. फिर आता है कोर वैल्यू एंड स्किल. और इसका मूल मूल्य और कौशल क्या होगा? काइंडनेस, दयालुता, जेनेरेसिटी, उदारता और एम्पथी, सहानुभूति. अब हम पढ़ते हैं जेनेरेसिटी. जेनेरेसिटी इज द एक्ट ऑफ गिविंग होल हार्टली. कि किसी के लिए दिल से काम करने की जो भावना होती है ना, उसको उदारता बोलते हैं. We should be generous not only in giving things. हमें उदार केवल चीज़ों को देने में ही नहीं होना चाहिए. In our thought, हमारे विचारों में, and feeling too, और हमारी भावनाओं के अंदर भी हमारे उदारता होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि हम किसी को दे रहे हैं तो उदार बन गए. नहीं, हम अगर उसके विचारों और भावनाओं को भी उदार, अपने विचारों जो भी हैं उससे हम उदारता कर सकते हैं. बी जेनेरियस इन गिविंग एज वेल एज इन रिसीविंग. कि जितना हमें उदार लेने के साथ होना चाहिए, उतना ही हमें देने के साथ भी होना चाहिए. नाउ अब हम हमारे लेसन को पढ़ते हैं. वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, देयर वॉज अ ग्रेट संत. एक बार एक महान साधु थे. ही वॉज फेमस फॉर हिज होलीनेस. होलीनेस क्या होती है? पवित्रता. वो किसके लिए फेमस थे? अपनी पवित्रता के लिए फेमस थे. वन डे, एक दिन, एन ओल्ड लेडी, एक बूढ़ी औरत, विजिटेड हिज आश्रम, उनके आश्रम में आई. विजिट करने मतलब वहाँ पर आश्रम में वो साधु के पास आई. द संत ऑफर्ड अ सीट टू हर. संत ने उसे क्या दी? बैठने के लिए जगह दी, आसन दिया. द लेडी लुक्ड पुअर. वो औरत बहुत ज़्यादा गरीब दिखाई दे रही थी. बाय हर क्लोथ्स, अपने कपड़ों से, कि जो उसने कपड़े पहन रखे थे वो बहुत ज़्यादा पुराने फटे हुए से थे, तो वो बहुत ज़्यादा गरीब नज़र आ रही थी. सी सेव्ड सम मनी टू बाय अ बास्केट ऑफ ग्रेप्स. उसने कुछ पैसे बचा रखे थे. किसके लिए? एक टोकरी अंगूर खरीदने के लिए. सी वांटेड टू गिफ्ट द ग्रेप्स टू द होली संत. और वो ये उपहार के तौर पे किसे देना चाहती थी? साधु को देना चाहती थी. कि वो औरत खुद गरीब थी लेकिन फिर भी उसने पैसे बचाए थे किसके लिए? साधु को उपहार देने के लिए. और उपहार में उसने क्या दिया? अ बास्केट ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों की टोकरी. द संत आस्क, संत ने पूछा, व्हाट डू यू हैव इन योर बास्केट, तुम्हारी टोकरी में क्या है? द ओल्ड लेडी took out a bunch of grapes from her basket and offered it to the holy man.
ओल्ड लेडी, बूढ़ी औरत, टुक आउट अ बंच ऑफ ग्रेप्स, उसने एक अंगूरों का गुच्छा निकाला फ्रॉम हर बास्केट, अपनी टोकरी से, एंड ऑफर्ड, और किसको अर्पित कर दिया? इट टू द होली मैन, पवित्र आदमी को, जो साधु थे वहां पर, उसको उसने दे दिया कि उसने अपनी टोकरी से एक अंगूरों का गुच्छा निकाला और साधु को अर्पित कर दिया। द संत हैप्पीली पिक्ड द ग्रेप्स, साधु ने खुशी खुशी, हैप्पीली मतलब खुशी से, पिक्ड अप द ग्रेप्स, अंगूरों का जो गुच्छा था वो ले लिया, पिक कर लिया उन्होंने, एंड स्टार्टेड ईटिंग देम, और उनको खाना शुरू कर दिया। द ओल्ड लेडी वॉज हैप्पी, बूढ़ी औरत बहुत खुश थी दैट द संत एक्सेप्टेड हर गिफ्ट एज ही फिनिश्ड, कि जैसे ही उन्होंने, जो बूढ़ी औरत थी, कि उसको बड़ी खुशी होती है कि साधु ने जो उसका उपहार था वो पूरा का पूरा स्वीकार कर लिया, मतलब उन्होंने जितने उसने अंगूर दिए थे वो साधु ने पूरे के पूरे खा लिए, तो पूरा का पूरा जो अंगूरों का गुच्छा था वो उन्होंने स्वीकार कर लिया। ईटिंग ऑल द ग्रेप्स दैट वर इन द बास्केट, और इसके साथ ही टोकरी में जितने भी अंगूर थे वो उन सारे अंगूरों को खा गई। सी वेंट होम हैप्पीली, वो घर खुशी खुशी चली जाती है, टेकिंग द संत ब्लेसिंग, क्या लेकर? साधु का आशीर्वाद लेकर। साधु ने उसे खाने के लिए अंगूर नहीं दिए, लेकिन वो साधु का आशीर्वाद लेके चली जाती है, वो खुश हो जाती है कि महाराज ने मेरे सारे के सारे जो अंगूर हैं वो खा लिए हैं। द डिसिपल वर सरप्राइज एट दैट स्ट्रेंज बिहेवियर ऑफ द होली मैन, डिसिपल होते हैं शिष्य, उसके शिष्य क्या थे, वो सरप्राइज, बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित थे कि ये क्या हुआ। एट दैट स्ट्रेंज, उस अजीब सा व्यवहार साधु ने जो किया, उसके अजीब व्यवहार के कारण सारे जो शिष्य थे उनके वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। दे एक्सपेक्टेड दैट द संत टू शेयर द ग्रेप्स विद एवरीवन, उनको क्या आशा थी, उनको उपेक्षा थी इस चीज की कि जो साधु है वो सब चीजों को, मतलब जितने भी उनके पास अंगूर हैं वो सबके साथ इसे बांट कर खाएंगे। बट सच अ थिंग डिड नॉट हैपन, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वेन द ओल्ड लेडी हैड गोन, जब बूढ़ी औरत चली गई, वन ऑफ द डिसिपल आस्क द संत, तो एक शिष्य ने साधु से पूछा, वाई ही हैडंट शेयर द ग्रेप्स विद एवरीवन, कि महाराज आपने जो अंगूर थे उनको किसी के भी साथ क्यों नहीं बांटा, कि वाई ही हिडंट, उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, शेयर, बांटा क्यों नहीं, द ग्रेप्स विद एवरीवन, कि हर किसी के साथ उन्होंने अंगूरों को क्यों नहीं बाटा। द संत रिप्लाइड, संत ने उत्तर दिया, इफ आई हैड डिस्ट्रीब्यूटेड द, कि यदि मैंने उनको बांट दिया होता, किसको, ग्रेप्स को, कि अगर मैंने ग्रेप्स को बांट दिया होता, आई वुड हैव गिवन सम टू हर एज वेल, कि मैं उसे भी कुछ देता, कि अगर मैं अंगूर बांटता तुम सबको देता, तो मुझे उस बूढ़ी औरत को भी वो अंगूर देने पड़ते। इफ सी हैड ईटन द ग्रेप्स, अगर वो अंगूर खा लेती, सी वुड हैव नोन दैट दे वर श्योर एंड वुड हैव फेल्ट बैड, कि अगर मैं अंगूर बांटता तुम लोगों को देता, तो मुझे उस बूढ़ी औरत को भी देने पड़ते, अगर मैं उसे अंगूर देता तो सी वुड हैव नोन, तो वो जान जाती दैट दे वर श्योर, कि अंगूर खट्टे थे, एंड वुड हैव फेल्ट बैड, और उसे बहुत बुरा लगता, उसे ये चीज अच्छी नहीं लगती कि अंगूर इतने खट्टे हैं। सी हैड जेनरसली स्पेंट हर मनी टू ब्रिंग द गिफ्ट फॉर मी, उसने उदारता पूर्वक अपने जो पैसे थे वो खर्च किए थे, किसके लिए,
गिफ्ट फॉर मी कि मेरे लिए उपहार लाने में उसने अपने पैसे उदारता के साथ खर्च किए थे। सो इसीलिए इट वॉज माई ड्यूटी, ये मेरा कर्तव्य है, टू रिटर्न द जेनरसिटी ऑफ हर एक्ट बाय रिसीविंग हर गिफ्ट विदाउट हर्टिंग हर फीलिंग, कि ये मेरा कर्तव्य है कि मैं भी उदारता के साथ क्या करूं, मतलब मैंने जो उसे रिसीव किया, जैसे मैंने उसे अंगूर लिए, इस एक्ट को, इस कर्तव्य को अगर मैं उसे उदारता के साथ नहीं लौटाता तो उसे क्या होता, विदाउट हर्टिंग हर फीलिंग, कि अगर मैं दिल के साथ उसकी भावनाओं के साथ क्या करता, ये गलत होता, मैं उसे गलत नहीं देना चाहता था। मतलब कि अगर उसने उदारता के साथ, जिस उदारता के साथ वो मेरे लिए उपहार लाई थी, उसी उदारता के साथ मैंने उसके उपहार को लिया और खा लिया। ऑल द डिसिपल हु प्रेजेंट इन द आश्रम, जितने भी शिष्य वहाँ आश्रम में मौजूद थे, वर हैप्पी टू हियर द संत वर्ड, वो सब बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, किसको सुनकर, साधु के विचारों को सुनकर। दे ऑल बोव्ड इन फ्रंट ऑफ हिम, बो मैंने होता है झुकना, वो साधु के सामने झुक गए, टू सीक हिज ब्लेसिंग, उनका आशीर्वाद लेने के लिए, कि सारे जो बच्चे थे वो आशीर्वाद लेने के लिए साधु के सामने झुक जाते हैं। तो यहाँ पे इस स्टोरी का मोरल है, बी जेनेरियस इन गिविंग, कि अगर हम किसी को देने में उदार है ना, एज वेल एज इन रिसीविंग, जैसे हम लेने में उदार हैं वैसे ही हमें देने में भी उदारता दिखानी चाहिए। इट मीन्स लेने और देने दोनों में ही उदारता होनी चाहिए। यहाँ है नो इट, पता है या जानो इसे, वी यूज द एक्सप्रेशन श्योर ग्रेप्स व्हेन समवन पुट्स समथिंग डाउन इन अ नेगेटिव वे और डिक्लेयर इट वॉज इनसफिशियंट जस्ट बिकॉज इट इज अनअटेंडेबल टू देम, द टर्म्स इज ऑफन यूज टू सिग्निफाई डिसलाइक, कि यहाँ पर हम कहते हैं, वी यूज द एक्सप्रेशन, हम इन शब्दों का यूज करते हैं कि अंगूर खट्टे हैं, वैन समवन पुट समथिंग डाउन इन अ नेगेटिव, तो इससे क्या होता है, किसी भी चीज़ को अगर हम नकारात्मक तरीके से किसी के सामने, कि किसी ने हमें उपहार दिया और हम ये कह दें ये उपहार तो अच्छा नहीं है, तो देने वाले का जो मन है ना वो टूट जाता है, क्योंकि वो जब उपहार लेके आता है ना बहुत दिल से खुशी के साथ हमारे लिए लाता है, तो ना तो हमें उसकी कीमत देखनी चाहिए और ना ही ऐसा सोचना चाहिए कि ये उपहार अच्छा नहीं है। तो साधु यहाँ पर बताते हैं कि अगर हम ऐसा करते हैं ना तो जस्ट बिकॉज इट इज अनअटेंडेबल, ये क्या हो जाता है, महत्वहीन हो जाता है, इसका कोई महत्व नहीं रह जाता। और दिस टर्म इज ऑफन यूज टू सिग्निफाई डिसलाइक, और इससे क्या होता है, अक्सर हम क्या करते हैं, चीज़ों को दर्शाने के लिए नापसंद शब्दों का हम यूज कर बैठते हैं। Have you read here the fable, the shore grapes, share this in the class. अगर आपने कभी खट्टे अंगूर के बारे में जो कहानी सुनी है, अगर सुनी है तो आप अपनी क्लास में इसे बता सकते हैं। खट्टे अंगूर वाली कहानी जो है, आपको पता है कि एक लोमड़ी थी, उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है, वो एक बगीचे में जाती है, वहाँ उसे अंगूर दिखाई देते हैं, अंगूरों की बेल पे बहुत पके हुए अंगूर लगे हुए थे और वो अंगूरों की बेल बहुत ऊंची थी, वो उनको खाना चाहती थी, उसके मुंह में पानी आ जाता है और वो बार 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 उछल उछल कर उनको खाना चाहती है, लेकिन वो बेल तक नहीं पहुंच पाती, वो अंगूरों को नहीं खा पाती। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद फिर से दोबारा से वो अंगूरों को खाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी वो अंगूरों तक नहीं पहुँच पाती और आखिर में चलते चलते वहाँ से कहती हुई चलती है कि कोई बात नहीं, अंगूर खट्टे हैं इसीलिए मैं नहीं खाऊंगी। नाउ वी आर डूइंग एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज में हमें यह दे रखा है, व्हाई वॉज द संत फेमस, साधु किस लिए फेमस था,
संत वॉज फेमस फॉर हिज हॉलीनेस, अपनी पवित्रता के लिए फेमस था। व्हाट हैड द ओल्ड लेडी ब्रॉट फॉर द संत, बूढ़ी औरत साधु के लिए क्या लाई। द ओल्ड लेडी हैड ब्रॉट अ बास्केट ऑफ ग्रेप्स फॉर द संत, साधु के लिए क्या लेके आई थी, अंगूरों की टोकरी लेकर आई थी। डिड द संत शेयर द ग्रेप्स विद हिज डिसिपल, क्या साधु ने अंगूरों को अपने शिष्यों के साथ बांटा। नो, द संत डिड नॉट शेयर द ग्रेप्स विद हिज डिसिपल, उन्होंने अपने शिष्यों के साथ नहीं बांटा। यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर स्टार्टिंग में नो है और द संत के बाद डिड नॉट लगा हुआ है, इसके अलावा और सारा का सारा क्वेश्चन सेम है। यहाँ पर भी आधा क्वेश्चन आपके क्वेश्चन के अंदर से ही है और यह भी आधा आंसर आपके क्वेश्चन के अंदर से है। वट हैव यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी, इस स्टोरी से क्या सीखा आपने। वी हैव लर्न, हमने ये सीखा बी जेनेरियस इन गिविंग एज वेल एज इन रिसीविंग, कि हमें लेने और देने दोनों में ही उदार होना चाहिए। इसके बाद है राइट यस और नो। द संत वॉज अ विक्ड मैन, क्या साधु बुरा आदमी था। नो। द ओल्ड लेडी हैड ब्रॉट सम मैंगोज फॉर द सन, क्या बूढ़ी औरत साधु के लिए मैंगो लेके आई थी। नो। द संत शेयर द ग्रेप्स विद एवरीवन, क्या साधु ने सबके साथ अंगूर बांटे। नो। द ग्रेप्स वर श्योर, क्या अंगूर खट्टे थे। यस, अंगूर खट्टे थे। द संत वो जेनेरियस इन रिसीविंग द गिफ्ट, क्या जो साधु था वो उपहार लेने में उदार था। यस। इसके बाद नेक्स्ट है पॉन्डर ओवर। थिंक ऑफ द मोस्ट यूनिक वे इन विच यू कैन बी जेनेरियस, कि आप सोचिए कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, मोस्ट यूनिक चीज़ें होती हैं जिसमें आप उदार हो सकते हो। लिस्ट एनी टू बिलो, तो दो चीज़ें लिखिए। मेक मील्स टू डिस्ट्रीब्यूट, हम खाना बना सकते हैं दूसरों को बांटने के लिए। वी कैन डोनेट क्लॉथ बुक टॉयज एसेट्रा, हम क्या कर सकते हैं, अपने कपड़ों को, अपनी किताबों को, अपने खिलौनों को दूसरों के साथ बांट सकते हैं। इसके बाद है हु इज जेनेरियस अकॉर्डिंग टू यू, आपके अकॉर्डिंग इनमें से उदार कौन है, और उसी बॉक्स के आगे टिक लगाना है। आई ट्राई टू हेल्प द पुअर एंड द नीडी, कि मैं कोशिश करता हूँ गरीब और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी हेल्प करने में, तो ये उदार है। आई नेवर शेयर माई मनी, मैं अपना पैसा किसी के साथ शेयर नहीं करती। थिंग और फूड विद अदर, तो ये गलत बात है, इसको हम कुछ भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट है आई ऑलवेज डोनेट माई ओल्ड क्लॉथ्स एंड बुक्स टू एन ऑर्फेन, कि मेरी पुरानी किताबें हैं, जो कपड़े हैं, वो अनाथ आश्रम में दान दे के आता हूँ। राइट, ये भी अच्छी बात है कि कहीं फेंकने या बेचने की बजाय आप अनाथ आश्रम में दे के आते हैं, जिससे कि वहाँ के बच्चे उनको यूज कर सकें। राइट अ स्लोगन कोटेशन ऑन जेनरसिटी, यहाँ पर आपको एक स्लोगन लिखना है, जैसे कि आप लोग चीज़ों के बारे में लिखते हैं, इसी तरीके से यहाँ आपको स्लोगन दे रखा है लिखने के लिए। तो आपको लिखना है ह्यूमैनिटी इज द वर्चू ऑफ अ वुमेन, वर्चू मैंने होता है गुण और ह्यूमैनिटी होता है मानवता, मानवता औरत का गुण है। जेनरसिटी ऑफ अ मैन, तो उदारता किसका गुण है, मनुष्य का। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर नंबर 1 है, और आपकी जो बुक है इस बुक का नाम है कोर वैल्यूज। तो इसके साथ आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हुआ। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें।